नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम और इस वक्त हम खड़े हैं प्राचीन श्री नागेश्वर धाम दंडी आश्रम में। और आपको बता दें कि यहाँ पर आगामी 26 अगस्त को जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव जो है वो धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जिस प्रकार से पहले भी यहाँ पर जो कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, सुंदर जो झांकियाँ हैं श्री कृष्ण बाल लीलाओं से संबंधित या अन्य जो झांकियाँ हैं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, तो उसी को लेकर आप तैयारियां यहां पर देख सकते हैं। जो कलाकार हैं वो यहां पर तैयारियां कर रहे हैं, जो भी यहां पर झांकियां निकाली जाएंगी उनको तैयार किया जा रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक जो है बड़ी मगरमच्छ की जो है एक झांकी निकाली जाएगी। इस पे क्या रहेगा कुछ रहेगा, और इसके अलावा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई प्रकार की जो झांकियाँ हैं यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये शिव लिंग की जो है एक अच्छी झांकी यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा भी अभी अधूरी है, यहाँ पर काम चल रहा है, कलाकार यहाँ पर लगातार दिन रात जो है वो काम में जुटे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर काम चल रहा है। हमारे साथ आश्रम के जो संचालक हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, धनंजय स्वरूप ब्रह्मचारी, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में भी वो सब कुछ बताएंगे। जी धनंजय जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा यहाँ पर, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। सर्वप्रथम तो आप सभी भक्तों को सादर जय श्री राम। आप सभी को विदित है कि आपके नगर में स्थित प्राचीन नागेश्वर धाम मंदिर दंडी स्वामी आश्रम में प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं की सुंदर सुंदर झांकियां का निर्माण कर आप सभी के सामने दर्शन के लिए रखी जाती है। इसलिए इस वर्ष भी जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है और भगवान की सुंदर सुंदर झांकियों का निर्माण कार्य प्रारंभ है। आप सबके बीच में 26 अगस्त 7:30 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक सुंदर यमुना जी के निर्मल धारा में मगरमच्छ पर बैठी हुई माँ गंगा का दर्शन, गरुड़ पर बैठे हुए लक्ष्मी नारायण भगवान का दर्शन, गुफा के अंदर अमरनाथ जी का दर्शन, सरस्वती जी लक्ष्मी जी आदि सहित शेर पर सवार माँ दुर्गा का दर्शन आप सबको करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी राधौर नगर निवासी भक्त समाज, आप सभी बढ़ चढ़कर इस कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाएं और आएं और झांकियों का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। विशेषतः सभी हमारे भक्त समाज हिंदू भाइयों से, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि कुछ समय से जो हमारे सनातन वैदिक हिंदू परंपराओं में जो त्यौहार हैं उनको लेकर जो आज क्या हमारे नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके अंदर उत्साह कम होते जा रहा है। इसलिए आप सभी बड़े बुजुर्गों से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि उनके प्रति सनातन धर्म के जो भी त्यौहार हैं, छोटे हों या बड़े हों, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, रामनवमी हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, आदि आदि बहुत से सनातन धर्म में त्यौहार है, आप उनको उसके प्रति जागृत करिए, उनके अंदर हर्षोल्लास के साथ उनको जगह जगह मंदिर में, आश्रमों में, ऐसी जगहों पर ले जाइए जहां पर उनको इस प्रकार का सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं या सनातन धर्म की जो भी प्रचार प्रसार करने वाले जगह हैं वहां ले जाकर उनको दर्शन कराएं और उनके मन मन में उनके अंदर एक अच्छी ऊर्जा जागृत हो अपने सनातन धर्म के प्रति, जिससे उनका जीवन सनातन धर्म मार्ग पर चलता रहे और उनका जीवन सुखमय। आप सभी राधौर नगर निवासियों से निवेदन है हमारा कि आप सभी 26 अगस्त को शाम को 7:30 बजे से झांकियों का दर्शन प्रारंभ होगा और रात्रि में 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का सुंदर पूजन और आरती, उसके बाद इस आश्रम के संस्थापक जगद्गुरु शंकराचार्य स्वयं महेशाश्रम जी महाराज का उत्तरण दिवस भी मनाया जाएगा सभी भक्तों के द्वारा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सब आए और भगवान के
जन्म का उत्सव मनाएं और अपने जीवन को धन्य करें।